मेरे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों, अगर आपको लगता है कि आप दुनिया में सबसे चतुर इंसान है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, आप लोगों का आईक्यू लेवल बहुत तेज है, आप दुनिया के अंदर अपने नाम का परचम बजा रहे हैं, तो यह है आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी। और ये आपकी गलतफहमी दूर करेगी हमारी पाकिस्तान की सबसे चतुर महिला। टेक्सटाइल के बारे में सुन ले, पाकिस्तान से कपड़ा लेके जाती है, हमारी रुई होती है जिसको वो अपनी टैगिंग करते हैं। औकात में रहो। हमारा चावल होता है जिसको वो अपनी टैगिंग करते हैं, हमारे से स्मगल करते हैं क्योंकि स्मगल होता है, उनको हाफ से भी कम रेट पे पड़ता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मैं तो डर गई। जिसको सुनने के बाद में अगर आपके कान खड़े ना हो जाए तो मुझे बोलना। जिसको सुनने के बाद में आपके दिमाग के अंदर से जितनी भी बत्तियां जल रही है ना, सारी बुझ ना जाए तो मुझे बोलना। आपके सोचने समझने की क्षमता अगर खत्म ना हो जाए तो मुझे बोलना। इन खातून को अगर आपने पूरा सुन लिया और फिर भी मजा ना आए तो सारे पैसे वापस। ऐसे मजाक मत किया कर यार। तो इन चतुर महिला से मिलने के लिए आपको और मुझे चलना पड़ेगा पाकिस्तान। तो चलते देखें, बात इंडिया की आ रही है तो इसलिए मैं ये तो थ्रोट इस पे यकीन ही नहीं रखती कि इंडियंस टैलेंटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों? मगर क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े चीट हैं। उन्होंने सानिया मिर्जा को भी झूठा इनाम दिलवाए थे, सारे उसके ग्रैंड स्लैम सब जो है वो मनी के साथ उन्होंने जीते हुए हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा मैच नहीं, पूरा का पूरा इवेंट बाय करते हैं। बताओ मेरे हिंदुस्तानियों, बताओ मुझे, तुमने तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही बाय कर लिया, मतलब किसी को जीतने ही नहीं देना। गलत बात है भाई। और ये पूरी दुनिया को पता है कि वो पैसा लगाते हैं। आपको कहीं से भी सानिया मिर्जा दूसरे मुल्कों की टेनिस, ये पैसा आता कहाँ से? इफ यू लेट मी कंप्लीट आई कैन टेल, उनके पास बहुत पैसा है हराम का, क्योंकि वो बुकीज हैं, वो इंटरनेशनल बुकीज हैं। दीदी वाह, दीदी वाह, दीदी के पास बहुत पैसा, दीदी वाह, दीदी वाह, अरे पगले दीदी। और जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट में जीते हैं सारे कप्स, हमारे साथ जितने भी मैचेस जीते हैं सब पैसा लगा के जीते हैं, समझ रहे हो? दीदी ने इनडायरेक्टली मान ही लिया, पाकिस्तानी अगर कोई मैच हारते तो पैसा लेके हारते हैं। तो फिक्सर तो तुम पहले से ही हो, पूरी दुनिया को पता है भाई। पहली बार तीन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई। क्रिकेट के कलंक, नाम सलमान बट, गुनाह फिक्सिंग की साजिश और घूस लेने के दोषी, नाम मोहम्मद आसिफ, गुनाह पैसे लेकर नो बॉल फेंकने के दोषी, नाम मोहम्मद आमिर, गुनाह फिक्सिंग में साथ लेकिन गवाह बने। पैसे लेकर क्रिकेट को कलंकित करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटरों को आखिरकार उनकी करनी की सजा मिल गई। और इसी तरह सानिया मिर्जा का तो बहुत बड़ा स्कैम है, वो तो उसके ऊपर बहुत सारी एविडेंस है कि वो ग्रैंड स्लैम जीत गई थी, जो कि किसी तरह से भी उनके कैलिबर पे भी नहीं आती है जितनी वो मोटी है। कितनी मोटी है, इसकी ये बात सुनने के बाद सानिया मिर्जा भी बोलेगी। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। अब बताओ सानिया मिर्जा कहाँ इन पाकिस्तानियों की जाके बहू बनी है, जो इसकी क्या वैल्यू कर रहे, दो कौड़ी की इज्जत नहीं कर रहे भाई। सानिया मिर्जा हिंदुस्तानी मर गए थे क्या सारे, यही कर लेती किसी से निकाह, यहाँ क्या मुसलमानों की कमी है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान यहाँ पे रहते हैं। अब कह रही है तुम्हें पाकिस्तानी मोटी, मुझे अपने घर जाना है। उन्होंने उसको भी जितवा लिया था, तो मैं तो इनके मेडल्स वगैरह पे यकीन ही नहीं रखती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा मुझे ये बताएं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में गूगल यूट्यूब का जो सीईओ है, क्या वो भी रिश्वत लगा के बैठे हुए हैं? हमारा तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और वजीर आजम फौज तक बिक जाती है, तो बाकी मुल्कों और इंडिया खासतौर पर इंडिया वो मशहूर ही बेचने और खरीदने में, उनका हर बंदा बिक जाता है। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। इंडिया वालों अभी तक तो तुम बड़े बड़े टूर्नामेंट खरीद रहे थे। हाँ भाई हाँ। इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीद रहे थे, पाकिस्तान को खरीद रहे थे। हाँ भाई हाँ। अब तुम बिक जाते हो। हाँ भाई हाँ। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा भाई। हाँ भाई हाँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन फिर भी देखिए, वो आज हमसे ज्यादा कामयाब जा रहे हैं। पता नहीं हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, वो कहाँ से कामयाब है। उन्होंने अपना एटम बम की सारी जो उसके अंदर जो कीमियाई चीजें इस्तेमाल होती है वो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और सड़कों पर बिक रहा है, तो यूरेनियम बेच रहे हैं वो। और मतलब जिस तरह हमारे मुल्क में गुड़ बिकता है, वहाँ यूरेनियम बिक रही है। इसकी माँ का भोला चेहरा, इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। अच्छा,
हम नहीं कुछ कह सकते इंडिया के बारे में। इंडिया के टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, मेडिसिन में एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हैं, हर फील्ड में उनकी एक्सपोर्ट्स हो रही है। इवन उनकी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स भी बन रही हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी सेक्टर्स जो हैं उसमें भी इंडिया की अपनी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं। क्या कहेंगे अब आप इस बारे में? टेक्सटाइल के बारे में सुन लें, पाकिस्तान से कपड़ा लेके जाती है, हमारी रुई होती है जिसको वो अपनी टैगिंग करते हैं, हमारा चावल होता है जिसको वो अपनी टैगिंग करते हैं, हमारे से स्मगल करते हैं क्योंकि स्मगल होता है, उनको हाफ से भी कम रेट पे पड़ता है। वही चावल हमारा अपना ही हम ईरान से खरीदते हैं, सऊदी अरब से खरीदते हैं, वो मेड इन इंडिया लिखा होता है, होता हमारा है। तो ये तो इंडिया वालों का टैलेंट है ना दीदी, कि वो तुम्हारा माल खरीद के पूरी दुनिया के अंदर मेड इन इंडिया का टैग लगा के बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी नाकामी तो तुम्हारी यही है कि तुम अपने माल को ही नहीं बेच पा रहे हो। सही बात है। तो क्या हमारे साथ धांधली हो रही है? एग्जैक्टली, हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली बड़े सालों से हो रही है। हम इंडिया से आगे हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो टैलेंट है जब कभी भी हमने प्रूव किया है, हमें कोई इस तरह से नहीं कह सकता कि हमने फोर्जरी की है। क्या हम इतने पागल हैं कि हमें पता है हमारे साथ ये सब हो रहा है फिर भी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे? पागल नहीं है, हमारा मीडिया पागल बनाता है। पाकिस्तानी कॉमेडी में सबसे आगे है, कॉमेडी में हम आगे हैं। आपसे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि आम पब्लिक से आप इंटरव्यू ले रही हैं, मेरे जैसे दो चार और को फिर उनको पब्लिश कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं अगर हम जैसा कोई ओपिनियन देता है आपसे पब्लिश नहीं करते? नहीं करते, हम तो करते हैं जो अवाम उन्नास की राय होती है, जो 80% फुलिश लोगों की राय होती है, वो सिर्फ वही दिखाते हैं क्योंकि लोग वही देखते हैं और रेटिंग भी उसी की आती है। लेकिन जब आप हमें एजुकेट करना शुरू करेंगे तो हम हो जाएंगे। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। हर मूर्ख को यही लगता है कि वो सबसे ज्यादा समझदार है और पूरी दुनिया के लोग बेवकूफ है। वही ही गलत फहमी इन दीदी ने पाली हुई है। अच्छा, तो क्या इंडिया का मीडिया उनके साथ सिंसियर है? उनका मीडिया भी बिका हुआ है, वो उनके लिए बिका हुआ है, वो अपने मीडिया के ऊपर वो कोई ऐसी बात नहीं कभी उन्होंने कहा है हमारे मुल्क में कोई गलत चीज हुई है। कभी वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में ये उनकी उनकी कंट्री के इमेज के लिए अच्छी बात नहीं? उन्होंने अपनी इमेज बना के जरूर रख ली है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जितने भी काले हैं वो कहते हैं हम सफेद हैं तो वो साबित कर लेते हैं। हम सफेद होकर भी खुद को काला साबित करवा रहे होते हैं क्योंकि हमने थोड़ा बहुत पैसा जहाँ से भी मिल जाए हम उसके कहने पर कुछ भी कह देते हैं। दीदी ने मान ही लिया कि हमसे बड़ा बिकाऊ कोई नहीं है। और जो मदरसे में इनको तालीम मिलती है ये उसका असर बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि इन मैडम का लॉजिक से दूर 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 तक कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और अक्सर इन पाकिस्तानियों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो पता नहीं कौन सी बातें कर रहे होते हैं, किस टाइप की बातें कर रहे होते हैं, इनको खुद को नहीं पता होता जो कि इनलॉजिकल होती है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अब तो लोग मुझे ईमेल भी करने लगे हैं कि मैं उनके कमेंट डिलीट कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, मैं कम से कम पहले भी 4-5 बार बोल चुका हूं कि आप कभी भी अपने कमेंट सेक्शन के अंदर हैशटैग यूज मत कीजिए। यूट्यूब हैशटैग को प्रमोट नहीं करता है। आप कोई भी सेंटेंस के आगे हैशटैग लगाएंगे वो नहीं जाएगा। दूसरा ये, आप गाली गलौज लिखोगे, आप गंदे वर्ड्स यूज करोगे तो वो भी आपका कमेंट नहीं जाएगा। ऐसे कमेंट्स को यूट्यूब उठा के स्पैम में फेंक देता है और आपको लगता है मैं डिलीट करता हूं, मैं लेट नहीं करता हूं। okay. आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मेडिसिन रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।